सर किसी का भाई किसी की जान और चंगेज दोनों का ट्रेलर आ चुका है, तो आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा सर? मेरे को भाई दोनों ही बेस्ट लगे हैं अपनी अपनी जगह। जब चंगेज का आया था तो चंगेज का काफी ज्यादा अच्छा लगा था। हाँ, थोड़ा सा उससे डिसअपॉइंट इस चीज को लेकर हुआ था कि मतलब कि वो जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा बहुत ज्यादा पुराना है कि भाई माँ बाप को मार दिया, फिर उसके बाद लड़का थोड़ा सा विलेन टाइप का बन जाता है, तो थोड़ा सा वाकिफ लगा था। बाकी ट्रेलर की जिस हिसाब से मतलब थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी थी और जिस हिसाब से उनका एक्शन मतलब देखने को लग रहा था, ट्रेलर देखकर जो मेरे को फील हो रहा था वाइब आ रही थी, तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था क्योंकि 6 करोड़ की मूवी है और प्लस बंगाली इंडस्ट्री की मूवी है, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की नहीं है, तो मेरे को एक ठीक ठाक लगा था। तो मेरे को लगा था कि 6 करोड़ की है तो अच्छा खासा कमा लेगी, ऐसा मेरे में आया था, अभी भी लग रहा है। और आज जब मैंने इसका किसा किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर देखा तो भाई बमफाड़ लगा यार, इसमें थोड़ी थोड़ी सी वाइब मेरे को जान तो किस तरह आई रेडी पिक्चर टाइप की, लेकिन बात यह कि रेडी पिक्चर में लड़ाई थी फाइट था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा इस फिल्म में होने वाला है। इस फिल्म से हमें काफ़ी सारे मतलब जो सस्पेंस है वो क्लियर हो चुके हैं। जो पूजा हेगड़े हैं वो वेंकी की बहन होने वाली है, मतलब जो सलमान खान और वेंकी जीजा मतलब जीजा साले बनने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा इस चीज़ का डाउट रखा गया है कि ये जो विलन है, विलन तो काफ़ी लोग हैं, एक तो मेन हो गया और जो लोग हैं, तो विलन किस बेस पे है? ये पारिवारिक मुद्दा है जैसे कि साउथ की फिल्मों में होता है कि जो विलन होते हैं वो उन्हीं के चाचा भतीजे या फिर फूफा मामा ये लोग होते हैं, साउथ की फिल्मों में ज़्यादातर होता है और ये फिल्म भी साउथ के टेस्ट की है। तो ट्रेलर में इस चीज़ को छिपाया गया है कि विलन एक्चुअल में है कौन, किस चीज़ की वजह से उनकी फाइट होती है। और सलमान खान के इसमें लुक्स दिखाए गए हैं, तो दो तरह के लुक दिखाए गए, क्लीन शेव और एक बड़े बाल वाला। जी, तो जो अभी बीच में खबरें उठी थी कि सलमान खान के इसमें 2 रोल होने वाले हैं, तो ट्रेलर देखकर तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि इसमें 2 रोल होने वाले हैं। अब बाकी मूवी देखकर पता चलेगा कि 2 रोल होने वाले हैं, ट्रेलर देखकर इस चीज़ को कहीं भी क्लियर नहीं किया जा सकता, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि इस फिल्म में हमें सलमान खान का डबल रोल देखने को मिल सकता है, हालांकि मैंने खबर देखी थी पहले। अच्छा, तो आप दोनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड हैं? दोनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ और दोनों ही फिल्में अच्छा खासा पैसा कमाएंगी क्योंकि चंगेज फिल्म सिर्फ 6 करोड़ की मूवी है और ये जो किसी की जान है ये थोड़ी बड़े बजट की मूवी है और बड़े बजट की होना लाजमी है क्योंकि भाई किंग जो सलमान खान है वो भाई दबंग खान है, वो थोड़ी 5 करोड़ की मूवी करेंगे, उनके लिए तो स्टारडम से कम हो जाएगा, उनकी फीस ही होगी भाई 60-70 करोड़, बात ये है। ओके, तो ये है मेरे हिसाब से दोनों फिल्में बेस्ट होने वाली है।